नमस्कार, मैं हूं सलामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम दीवा और मुम्ब्रा के बीच में जो डंपिंग ग्राउंड है वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी धुआं निकल रहा है इस डंपिंग ग्राउंड से। इस डंपिंग ग्राउंड में करीब आज करीब 3 से 4 दिन हो गया है इस डंपिंग ग्राउंड से लगातार इसी तरह से धुआं निकल रहा है। धुआं निकलने की वजह से जो दीवा के रहने वाले लोग हैं, जो मुम्ब्रा के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस धुएं की वजह से काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में तेज जलन की लोगों को शिकायत हो रही है। इस धुएं की वजह से सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। यकीन मानिए इस समय यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर इतनी तेज धुएं की वजह से आंखों में जलन हो रही है कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं यहाँ पर। और इस धुएं की जो जलन है उसको बर्दाश्त करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, लेकिन शहरवासियों को मजबूरी में जो है इस धुएं को सहन करना पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पीछे आप देख रहे हैं ये मुम्ब्रा शहर है। रात के वक्त पूरा इस धुएं का जो है काफ़ी सांस लेने में लोगों को तकलीफ होती है। आप देखिए इस दूसरी तरफ जो है दीवा है, दीवा के लोगों को भी इस धुएं की वजह से काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो दीवा के लोग हैं, यहाँ डंपिंग ग्राउंड के पास में ही लोग जो रहते हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस धुएं की वजह से उन्हें कितनी तकलीफ होती है। जो बाजू में ही ओम साई कंस्ट्रक्शन चाल है वहां पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जो ये धुआं यहां से निकल रहा है इस धुएं से उनको कितनी तकलीफ हो रही है। आप बताइए, जो यहाँ से धुआं निकल रहा है बहुत तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है? बच्चे लोगों की तबियत खराब होता है, बड़े आदमी दम घुट घुट के मर रहा है यहाँ पे इस धुएं की वजह से। क्या धुएं की वजह से क्या इधर का देखते हैं सबका चेहरा खराब हो रहा है, आँख खराब हो रहा है, मुँह सब कुछ खराब हो रहा है, घर द्वार सब काला काला हो जाता है। बीमारी पकड़ रहा रंग बिरंगा, बच्चे का, बड़े बड़े आदमी लोग का, हाँ का बास जाता है, धुआं का बास जाता है तो खाना में बीमारी लगता है, पानी में बीमारी लगता है। ढक्कन अगर नहीं बंद रहेगा तो पानी पिए तो बीमारी लगता है, खाना खुला है अगर बास जाएगा धुआं जाएगा तो भी। यानी आप कह रहे हैं कि जो धुआं निकल रहा है यहाँ से जो बदबू आ रही है इसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, धुएं से भी काफी तकलीफ है आपको? तकलीफ हो रहा है, धुएं से परेशानी है कि दवा खाना में जाओ, पैसा भरो, रोज रोज डेली दवा खाना है, अब परेशानी बहुत है, धुआं से बहुत परेशानी हम लोग के है। तो आपने सुना कि जो है लोगों ने क्या बताया यहाँ पर किस तरह से उनको तकलीफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठाणे महानगर पालिका के उप महापौर हैं वो रमा कांत मड़वी है, उनका रास्ता इसी डंपिंग ग्राउंड से है, वो इसी डंपिंग ग्राउंड से होकर हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितना धुआं है। यहाँ पर धुएं की वजह से लगातार हमको भी खांसी आ रही है, जहाँ काफ़ी तकलीफ हो रही है हमें रिपोर्टिंग के दौरान। तो आप सोच सकते हैं कि जब ये धुआं पूरे शहर में जाता होगा तो लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। सर, आप ठाणे महानगर पालिका के उप महापौर हैं। जो डंपिंग ग्राउंड से धुआं निकल रहा है इसकी वजह से दीवा और मुम्ब्रा के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही, तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ कदम उठाया? ये दीवा का डंपिंग से जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से दीवा और मुम्ब्रा के पब्लिक को तकलीफ हो रही है, ये सच है। लेकिन ये डंपिंग की जो समस्या है वो हमेशा के लिए यहाँ से निकलनी चाहिए, डंपिंग हटनी चाहिए, इसलिए हम लोग कोशिश जारी है। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 6 खदान हम लोग को मिले हुए, उसकी फाइनल NOC शायद इस महीने के आखिरी तक आ जाएगी और दीवा का डंपिंग हमेशा के लिए हट जाएगा वहाँ से। फिर वहाँ पर लेकिन अब फ़िलहाल के लिए जब हटेगा वो तब की बात होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी जो तकलीफ़ें हो रही हैं, हमने जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन लोगों से भी बात की तो उन लोगों ने कहा कि फायर ब्रिगेड आ रही है लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे बुझाती, उससे आग बुझ नहीं रहा है, तो क्यों ना जो है फायर ब्रिगेड को लगातार वहाँ आग बुझाने के लिए लगाया जाए। नहीं, फायर ब्रिगेड जो कोशिश जारी है वो डेली वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जाके बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन धुआं निकल रहा है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तो हम लोग फायर ब्रिगेड को इंस्ट्रक्शन देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी मार के वो बुझाने की कोशिश। बहुत धुआं वहाँ पर है, पूरा डंपिंग ग्राउंड, पूरे वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से भी हमने बात की, उन लोगों का कहना है कि हमें बहुत तकलीफ है इससे, लेकिन आपका भी रास्ता उधरी से वहीं से आप होकर जाते हुए तो आपने देखा है उस चीज़ को, तो क्यों ना फायर ब्रिगेड को मतलब लगाया जाए उस काम के लिए कंटिन्यू कि उसको बुझाया जाए। नहीं, आपने देखा होगा जहाँ से आप भारत की तरफ जाते हैं तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ से पानी भरती है, दिन में 2-4 टिप्पे मारते, लेकिन अभी जो उनका पानी मारने का स्पीड है वो बढ़ाने को उनको बोला जाएगा और जल्दी से जल्दी वो धुआं कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दिवा प्रभाग समिति के अध्यक्ष है शैलेश पाटिल, वो भी यही के दिवा के रहने वाले हैं और दिवा के लोगों को भी इस धुएं से काफ़ी तकलीफ हो रही है। उनका भी रास्ता इसी से होकर जाता है, यही सर होकर जाता है। हम आपको दिखा दें, हो सके आप धुएं की वजह से देख ना सके, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूर पर जो है दिवा प्रभाग समिति है, लेकिन ये धुआं वहाँ तक भी जाता है। लेकिन आप क्या कहेंगे इसको? ये सबसे बड़ी उनकी लापरवाही है कि धुएं को देखते हुए भी वो नज़रअंदाज कहीं ना कहीं इस चीज़ को कर रहे होंगे। हालांकि शहरवासियों का जो कहना, हमने अब तक मुम्ब्रा के जो लोगों से बात की है इस धुएं को लेकर, तो उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इस धुएं से लेकर हमें काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन, और इस धुएं की वजह से जो काफ़ी बीमारी भी फैल सकती है। ये काफ़ी गंदगी वाला धुआं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नशा करने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं और वो लोग यहाँ पर आग लगाकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर धुआं निकल रहा है। हालांकि जब जल कर बुझ जाती तो इसी तरह इसके तरीके से धुआं निकलता है जो सीधा शहर की तरफ जा रहा है, और इसी की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है धुएं की वजह से सांस लेने में। और ये अगर देखा जाए तो जो मुम्ब्रा और दीवा प्रभाग समिति है, इन लोगों की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि जो उन लोग इस तरह के धुआं होने के बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमने यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से जानकारी ली तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर कल फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, लेकिन उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझ नहीं रही है। आज फिर आती भी है फायर ब्रिगेड की गाड़ी, तो अब इतनी ज़्यादा यहाँ पर आग लगी हुई है, इतना ज़्यादा यहाँ पर धुआं है, ये आग कैसे बुझाई जाएगी? यहाँ पर कई गाड़ियां लग सकती है आग बुझाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी जो है शासन प्रशासन ठाणे महानगर पालिका की सबसे बड़ी लापरवाही ये मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ के खासदार हैं, आमदार हैं, वो लोग शिवसेना के ही हैं, शिवसेना की सत्ता यहाँ पर है, उसके बावजूद जो है वो उन लोगों का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है इस धुएं को लेकर कोई एक्शन नहीं है, कोई इस पर काम नहीं है। आग बुझाने का काम किया जा रहा है अभी तक, और इससे जो लोगों को तकलीफ हो रही है वो एक सबसे बड़ी तकलीफ जो है दीवा में रहने वाले और मुम्ब्रा में रहने वाले लोगों को हो रही है। कैमरामैन रहमान के साथ सलामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुम्ब्रा।